दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त भरत जांगिड़ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। दोस्तों आज की वीडियो है हमारी वॉशिंग मशीन के बारे में, जो कि आप देख पा रहे हैं वर्लपूल कंपनी का वॉशिंग मशीन है और इसका जो गेयर बॉक्स है वो बिल्कुल जाम है दोस्तों। तो मशीन का जो गेयर बॉक्स है खोल नहीं रहा था, तो इसको हमने यहाँ पर मंगा लिया है दुकान के ऊपर। तो इसका गेयर बॉक्स किस टाइप से खोलना है, कहाँ से जाम है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो पल्सेटर का जो बोल्ट होता है यहाँ पर स्क्रू लगा होता है जो बीच में, वो स्क्रू ड्राइवर से बिल्कुल नहीं खुल रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मशीन रखी हुई थी तो जाम थी। इसके सॉल्यूशन के लिए दोस्तों सबसे पहले ये देख लीजिए, ड्रिल मशीन में हमने यहाँ पर दो सूट का बिट लगा दिया है लोहे वाला, और जो इसका बोल्ट का हेड है उसको यहाँ पर दोस्तों ये देखिए इस टाइप से आपको पूरा डेड कर लेना है। और ये जो हेड है देखिए एसएस का, इसका बोल्ट का, वो हमारा यहाँ पर इसमें अटक कर बाहर आ जाएगा। और जो ये देखिए आप मतलब कट गया, बिल्कुल बोल्ट के ऊपर से कट गया इसका हेड। और ये देखिए बिल्कुल इसको हमने ड्रिल से काट दिया है, और इसके बाद में जो पल्सेटर है उसको इस टाइप से हम निकाल लेंगे। पूरा बाहर नहीं आएगा, पूरा बाहर निकालने के लिए जो ऊपर वाला जो इसका ये देखिए जो ऊपर वाला कवर है इसको निकालना होगा पूरे को, जो कि येलो येलो सा आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद ही पल्सेटर बाहर आएगा यदि पल्सेटर चेंज करना है तो। बाकी कोई बात नहीं, पल्सेटर हमको चेंज नहीं करना, पल्सेटर इसका बिल्कुल ओके है, पल्सेटर बच गया है। अब पल्सेटर को ख़राब नहीं करना पड़ेगा, मशीन को उल्टा रख लेंगे यहाँ पर, इसके बाद में बैक कवर को निकाल लेंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि इसी टाइप के नॉलेजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो इसके बाद में वायरिंग को यहाँ पर लूज कर लेंगे। वायरिंग को लूज करने के बाद में जो ये देखिए जो स्पिन डोर स्विच है उसकी बेल्ट है उसको निकाल लेना है, जो कि ब्रेक का काम करती है। इसके बाद में जो ड्रेन बेल्ट है, जो कि हमारा पानी ड्रेन करने के लिए लगी होती है, उसको भी निकाल देंगे। और यहाँ पर दोस्तों 8 नंबर की जो हमारे टी स्पेनर है उसका यूज़ करेंगे, और जो पल्सेट उसमें हमारा जो स्पिन का बोल्ट है उसको हमने खोल दिया है। इसके बाद में जो वाश मोटर की जो फैन बेल्ट है उसको भी हमने निकाल दिया है। और यहाँ पर दोस्तों ये देखिए चारों तरफ जो भी स्क्रू लगे हुए हैं उनको यहाँ पर हम फटाफट से खोल लेंगे। तो चारों ये देखिए सभी स्क्रू हमें खोलने होंगे, उसके बाद में जो पूरा जो नीचे का इसका पार्ट है मशीन का वो काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। और इसका जो गेयर बॉक्स है हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो ये देखिए पूरा जो पार्ट है हमारा, इसके बाद दोस्तों ये पाइप है जो ये देखिए जो ड्रेन में लगा हुआ है इसको यहाँ पर निकाल देंगे हम। ये देखिए असेंबली से हमने जो ड्रेन पाइप इसमें लगा हुआ था उसको निकाल दिया है। मशीन को यहाँ पर खड़ा रख लेंगे, और इसके बाद दोस्तों ये देखिए पुल्ली को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों 4 स्क्रू लगे हुए हैं जिनको हम यहाँ पर खोल लेंगे। चारों स्क्रू खोलने के बाद में जो गेयर बॉक्स है हमारा काफ़ी आसानी से अलग हो जाएगा। ये देखिए गेयर बॉक्स काफ़ी आसानी से निकल चुका है, और गेयर बॉक्स ये देखिए बिल्कुल जाम है, बिल्कुल नहीं घूम रहा है। तो दोस्तों ये देखिए इसकी जो अंदर की गरारियाँ बिल्कुल ख़त्म है, तो इसे हमें रिप्लेस करना होगा। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए ये पुराना वाला गेयर बॉक्स हमारा रखते हैं साइड में, ये है नया जो कि हम इसमें रिप्लेस करने वाले हैं। अच्छी क्वालिटी का गेयर बॉक्स है आप देखिए यहाँ पर, और इसको हम लगाएंगे। तो रेट की बात करें तो लगभग 650-700 रुपये में आपको मीडियम क्वालिटी का जो गेयर बॉक्स है आसानी से मिल जाता है। तो ये देखिए इसको यहाँ पर लगा देंगे, बिल्कुल होल मैच करके इसको लगाएंगे, और यहीं से मतलब पुली के बीच में से ही हमको यहाँ पर स्क्रू लगा देंगे, पुली को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 स्क्रू लग चुके हैं, और ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सभी स्क्रू यहाँ पर आपको टाइट कर लेना है आमने सामने, ताकि जो गेयर बॉक्स से पानी लीकेज नहीं करेगा, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। बिल्कुल लूज़ बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मशीन को वापस से उल्टा रख देंगे, और ये देखिए जो नीचे का पार्ट है इसको यहाँ पर जैसे निकाला था उसको सबसे पहले ये देखिए जो हमारा ये देखिए जो टब है हमारा स्पिन का, उसकी शाफ्ट है उसको मैच कर लेना है स्पिन मोटर के पुली में, उसके बाद में स्क्रू लगा लेने हैं सबसे पहले। ये देखिए मशीन को फिक्स कर देंगे, इसके बाद में मैक्सोबोंड का यूज़ करेंगे, जो पाइप निकाला था हमने इसके अंदर मैक्सोबोंड लगाएंगे। यहाँ पर मैक्सोबोंड चारों तरफ एक राउंड मार देंगे इसमें, उसके बाद में ये पाइप है जो लूज भी नहीं होगा और लीक भी नहीं करेगा, और काफ़ी आसानी से ये लग भी जाएगा। ये देखिए पाइप को वापस से हमने यहाँ पर लगा दिया है। फैन बेल्ट को यहाँ पर लगा देंगे। फैन बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले आपको मोटर की पुली पे फैन बेल्ट को लगाना है पूरी तरीके से, उसके बाद में गेयर बॉक्स की पुली पर लगाकर गेयर बॉक्स की पुली को घुमाएंगे तो फैन बेल्ट आपका काफ़ी आसानी से लग जाएगा। फैन बेल्ट हमारा लग चुका है। इसके बाद में यदि टाइट और लूज करना है तो ये देखिए जो वॉश मोटर है यहाँ पर उसके 3 नीचे की तरफ बोल्ट हैं, उनको आपको एडजस्ट कर लेना है मोटर को,
और इसके बाद में दोस्तों ये देखिए मशीन को सीधा रख लिया है और स्पिन की जो बेल्ट है हमारी डोर की उसको लगा दिया है हमने। और जो हमारी ये देखिए ड्रेन बेल्ट है, ड्रेन वेलो ऊपर उठाकर उसको भी लगा दिया है। 8 नंबर का जो बोल्ट हमारा निकाला था हमने उसको भी लगा दिया है। पल्सेटर को यहाँ पर बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी दोस्तों पुराना जो गेयर बॉक्स है उसका जो वाशर है इसको ज़रूर लगाना है आपको, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि पल्सेटर इसके ऊपर ही टिकेगा हमारा। तो इसको जो नया गेयर बॉक्स है उसमें यहाँ पर लगा देंगे, जो कि गेयर बॉक्स के साथ नहीं आता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और पल्सेटर को यहाँ पर हम लगा देंगे, पल्सेटर को ये देखिए पल्सेटर हमारा लग चुका है, इसको बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एसएस का बोल्ट लगाना है दोस्तों, ये देखिए इसमें रबड़ का जो रिंग है वो भी होना चाहिए, जिससे कि अंदर डस्ट वगैरह और पानी नहीं जाएगा, बोल्ट आपका जाम नहीं होगा। तो ये देखिए मशीन का प्लग हमने लगा दिया है, डायरेक्ट सप्लाई दे दिया है और यहाँ पर हम करने वाले हैं टाइमर ऑन। तो ये देखिए स्पिन हमारा चल चुका है, स्पिन मोटर यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से रन कर रही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है। वाश टाइमर हमने ऑन कर दिया है और ये देखिए पल्सेटर हमारा, ये देखिए वास भी हमारा घूम गया है, बिल्कुल स्मूथ तरीके से चल रहा है, बिल्कुल कोई साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे की तरफ चेक करते हैं, ये देखिए स्पिन चल रहा है आराम से और हमारा वास है जो गेयरबॉक्स और मोटर दोनों बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से रन कर रहे हैं। और लेफ्ट राइट भी देखिए चेंज हो रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस जो फैन बेल्ट का अलाइनमेंट है वो भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। और ये देखिए स्पिन, जैसे ही हमने डोर ओपन किया स्पिन का ब्रेक लग गया है और मोटर हमारी रुक गई है। चलिए मशीन कंप्लीट है, वायरिंग को यहाँ पर वापस से सेट कर देंगे, इसको अपनी जगह पर फिक्स कर देंगे ताकि वायर इधर उधर नहीं अटकेंगे। बैक कवर यहाँ पर हम लगा देंगे, मशीन का बैक कवर लगा देंगे। इसमें कोई स्क्रू नहीं है, सिर्फ लॉक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी लॉकों को प्रेस करके लगा दिया है। मशीन बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, मशीन को यहाँ पर सीधा रख लेंगे। दोस्तों काफ़ी आसानी से हमारा जो गेयर बॉक्स है रिप्लेस हो गया है, स्पिन वाश दोनों कंप्लीट है, मशीन में और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। इसके अलावा और किसी भी होम अप्लायंसेस, पावर टूल, मोनोब्लॉक की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हर तरह के वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वो देख सकते हैं। दी गई जानकारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।